हिमाचल प्रदेश के किसानों को अब फसलें खराब होने के बाद आत्महत्या की ओर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हिमाचल में भी एक टैक्स कंसल्टेंट ने पूरे सोशल मीडिया पर रिसर्च करने के बाद ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि ये पहला शख्स है जिसने हिमाचल प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती 1 बीघा में मात्र 300 पौधे लगाकर शुरू की है और पौधों की बुआई को अभी 3 महीने पूरे हुए हैं और उसके बाद पौधों को के फूल निकलना भी शुरू हो चुके हैं और ये पौधे अब 6 महीने के अंदर ही फल देना शुरू कर देंगे, जिसके चलते अब व्यक्ति को आर्थिक लाभ भी होना शुरू हो जाएगा। उसमें मैंने पहले अमरूद के पौधे लगाए, जो 400 ग्राम वाला अमरूद होता है, 800 ग्राम वाला, वो 250 पौधे लगाए। उसके साथ मैंने नींबू की खेती की और साथ में आम और चीकू के पौधे लगाए। इस तरह से मुझे यूट्यूब पे सर्च करते करते मुझे एक जानकारी मिली कि आजकल ड्रैगन फ्रूट का बहुत चलन है, तो मैंने इसके बारे में मैंने सर्च किया और हरियाणा में जाके मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने 300 पौधे अपने आधा बीघा लैंड में, 10-20 लैंड में मैंने 300 पौधे लगाए। तो इसका फ़ायदा ये, अभी इन पौधों में फूल आने शुरू हो गए हैं। मैंने 3 महीने पहले इन पौधों को लगाया था और 3 महीने बाद ही इन्होंने फूल देना स्टार्ट कर दिए हैं और ये 6-7 महीने में अपने को फल दे देंगे। एक बार ये शुरू हो जाता है 1 साल में, उसके बाद 25 साल तक ये किसानों को फल देगा और इसकी मार्केट में भी 250 रुपये किलो मिनिमम कीमत है। इस टाइम मार्केट में आम जनता को तो ये 100 या 150 रुपये का मिलता है, एक फल मिलता है, और किसानों को भी अच्छी कमाई इससे हो सकती है। तो मैं इस बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि इसको कोई अपने को दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है और ये पौधा ऑटोमेटिक तैयार होता है। ये जंगल में एक पौधा होता है छू करके, तो उसकी एक डेवलप्ड वैरायटी है, तो इसको कोई बीमारी भी नहीं लगती और ना ही इसको खाद और उसका पानी भी बहुत कम है।